दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उस शख्स को जिसने नवाज शरीफ पर जामे नईमिया में एक जूता मारा था उसे पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है। उस शख्स से पूछा जा रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्या चीज़ मारी, जूता क्यों मारा, किसके कहने पर मारा, लेकिन उस शख्स ने अभी तक अपना ना नाम बताया और ना ही ये बताया कि उसने क्यों जूता मारा। लेकिन उसने एक नारा ज़रूर लगाया, मतलब कि उसने जैसे ही जूता मारा उसके फ़ौरन बाद नारा लगाया था लब्बैक या रसूलल्लाह। तो इससे ज़ाहिर होता है कि शायद ये वही शख्स है जो तहरीक लब्बैक का रुकन है और इसने ख़त्म नबूवत में तब्दीली करने की बिना पर नवाज शरीफ को जूता मारा। इसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, इसको मतलब के इसका चेहरा छुपा कर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। उसके बाद इसका क्या हुआ कुछ मालूम नहीं, लेकिन इसी वीडियो में आप लोगों को आखिर पे दिखाऊंगा कि इस शख्स को कत्ल कर दिया गया। इसकी वीडियो आपको इसी वीडियो के आखिर में मिलेगी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि उस शख्स को पुलिस ने कत्ल कर दिया, मार दिया, इसे किसी फायर या किसी और तरीके से नहीं, लोगों से पिटवा कर मार दिया। और ये देख सकते हैं कि हमें वीडियो भी बनाने नहीं दी जा रही, तो पुलिस वाले वीडियो बनाने से भी रोक रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये वही शख्स है जिसने नवाज शरीफ को जूता मारा था और इसे मार मार कर ख़त्म कर दिया। सारा पता है, इतना कटना देखो, मसला इतना कटना है।